कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन टू सब सेक्शन 47 में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में जो है वहाँ पे डिटेल दिया गया है तो अनफेयर का मतलब होता है कि जब आप रूल को फॉलो नहीं करते हो या फिर मॉरल प्रिंसिपल जो होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हो तो उसको हम अनफ़ेयर माना जाता है तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी कि जब आप ट्रेड करते हो यानी कि आप व्यापार कर रहे हो तो उस वक्त जब आप रूल फॉलो नहीं करते हो या फिर कोई मॉरल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो वो चीज़ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाता है मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस विच एडोप्ट एनी अनफेयर मेथड और अनफेयर और डिसेप्टिव प्रैक्टिस फॉर द परपज ऑफ प्रमोटिंग द सेल यूज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और फॉर द प्रोविजन ऑफ एनी सर्विसेज यानी कि जब आप किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसको प्रमोट करने के लिए सप्लाई करने के लिए या फिर सर्विस से रिलेटेड कोई भी चीज प्रमोशन कर रहे हैं तो वहां पर जब आप किसी भी अनफेयर मैथड का या फिर अनफेयर डिसेप्टिव प्रैक्टिस यूज करते हैं तो वह चीज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाती है क्लियर दैट इज डिफाइंड अंडर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस is section 2, subsection 47. तो अब बात कर लें कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो सबसे पहले है कि फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट द गुड्स आर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वालिटी क्वांटिटी ग्रेड कंपोजिशन स्टाइल और मॉडल यानी कि अगर जो सेलर है वो कोई गुड्स सेल कर रहा है और वो जो है फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट करने का मतलब कि चाहे बोल के रिप्रेजेंट करे चाहे लिख के चाहे वो आपको कहीं पर जो है पिक्चर के जरिए रिप्रेजेंटेशन कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करके आपको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कर रहा है कि उसकी जो ड्स हैं वो अच्छे स्टैंडर्ड के हैं अच्छी क्वालिटी के हैं जो है पूरी क्वांटिटी में है लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो रियलिटी में क्या होता है कि वो 90 के जी का था लेकिन आपको बता रहा है कि वो 100 के जी का है वो बताता है आपको कि ग्रेड ए है लेकिन एक्चुअली में बी ग्रेड का होता है कंपोजिशन कुछ और होता है लेकिन वो कंपोजिशन आपको कुछ और बताता है गाड़ी का मॉडल हो गया फिर कोई प्रोडक्ट का जो गुड्स का मॉडल है स्टाइल है कुछ और होता है लेकिन आपको जो है गलत रिप्रेजेंट करता है तो ये क्या हो गया ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया तो जब भी गुड्स को लेकर रियलिटी में कुछ और हो और आपको बताया कुछ और जाए तो इसको हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहते हैं तो इसलिए क्या होना चाहिए यहां कि जो है उसी को बताइए जो चीज है गुड्स की जो क्वालिटी है जो स्टैंडर्ड है जो उसका क्वांटिटी है क्वालिटी है कंपोजिशन है वही बताइए जब आप रियलिटी कुछ और है और बताते कुछ और हैं तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाता है इसी तरीके से सर्विस में भी है फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट द सर्विस आर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वालिटी और गेट यानी कि जब जो कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो झूठ बोलता है गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि उसकी जो सर्विस है वो अच्छी स्टैंडर्ड की है अच्छे क्वालिटी की है उसका ए ग्रेड है तो उस केस में क्या होता है कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है यानी कि जब भी वो गलत तरीके से अपने सर्विस की क्वालिटी को शो करता है रिप्रेजेंट एनी रिबिल्ट हैंड रिमोवेटेड और ओल्ड गुड एज अ न्यू गुड यानी कि जो सेलर है वो किसी पुराने सामान को या फिर जो है किसी का सामान खराब हो गया था उसी सामान को नया सामान बताकर आपको बेच देता है तो वो क्या है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है यानी कि पुराना सामान को आप नया सामान बता आप जो कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हो, तो ये क्या है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है सर्विस डू नॉट कि जो का सेलर का गुड्स है वो उसके पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती है कोई अप्रूवल नहीं होता किसी अथॉरिटी से कोई परफॉर्मेंस सर्टिफिकेशन नहीं होता है कोई एसेसरीज नहीं होती है लेकिन आपको बताएगा कि सारी चीजें हैं तो वो चीज क्या होगी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्लियर इसी तरीके से रिप्रेजेंट द सेलर और द सप्लायर स्पॉन्सरशिप पे क्या है कि गुड्स और पहले वाले में क्या था कि गुड्स और सर्विस के पास स्पॉन्सरशिप है लेकिन यहां वाले में क्या बता रहे कि जो सेलर है या जो सप्लायर है उसके पास स्पॉन्सरशिप है या फिर अप्रूवल है या फिर एप्लीकेशन है जबकि एक्चुअली में नहीं होता है तो ये भी क्या हो गया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी कि आप झूठ बोल रहे हो आप झूठ बोल रहे हो कि आपके पास एफिलिएशन है आप झूठ बोल रहे हो कि आपके पास अप्रूवल है आप झूठ बोल रहे हो कि आपके गुड्स का जो है अप्रूवल है स्पॉन्सरशिप है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो ये ये क्या हो गया? ये unfair trade practice हो गया जाता है मेक्स अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द नीड फॉर और द यूजफुलनेस ऑफ एनी गुड्स और सर्विस का मतलब है कि जो seller होता है वो ये बोलता है कि आपके लिए ये जो गुड्स है बहुत यूजफुल है जबकि एक्चुअली वो यूजफुल नहीं होता ये सर्विस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी लेकिन एक्चुअली में वो सर्विस आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता तो जब इस तरीके से कोई सामान जो है बेनिफिशियल बता के आपको बेचता है तो वो चीज़ क्या कहलाता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी कि आपको पता है जो सेलर है उसको पता है कि सामान जो है बेकार है किसी काम का नहीं है लेकिन आपको ये बताएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप जरूर परचेज करिए तो उस केस में वो क्या कर रहा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है गिफ्ट टू द पब्लिक एनी वारंटी और गारंटी ऑफ द परफॉर्मेंस एफिकेसी और लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट और ऑफ एनी गुड दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एडिकुएट और प्रॉपर टेस्ट यानी कि जो सेलर है उसने उस गुड्स की कोई भी टेस्टिंग नहीं की है लेकिन फिर भी वो क्या कहता है आपसे कि ये गुड्स जो है बहुत दो तीन सालों तक चलेगा इसके लिए मैं आपको वारंटी दे रहा हूँ फिर गारंटी दे रहा हूँ जबकि उसने खुद ही टेस्ट नहीं किया प्रॉपर टेस्ट नहीं किया एडिकुएट टेस्ट नहीं किया है और उसके बिना बिना ही बिना टेस्टिंग के ही वो आपको वारंटी या गारंटी दे रहा है तो वो भी क्या कर रहा है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है मेटेरियल मिसलीड्स द पब्लिक कंसर्निंग द प्राइस एट विच ए प्रोडक्ट और लाइक प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विस हैव बीन और आर ऑर्डरली सोल्ड और प्रोवाइडेड यहाँ पे क्या है, कि? क्या है? आपको मिसलीड करता है स चीज को लेके प्राइस को लेके वो कहेगा कि अरे भैया मार्केट में ही इसका रेट जो है सौ रुपये चल रहा है जबकि एक्चुअली मार्केट में क्या चला होता है पचास साठ रुपये चल रहा होगा लेकिन आपको क्या होता है भैया मार्केट में ही महंगा है तो हम क्या करें हम भी सौ रुपये में बेच रहे हैं तो मिसलीड कर रहा है प्राइस को लेकर तो क्लियर तो यहाँ पे भी क्या है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया गिप्स फॉल्स और मिसलीडिंग फैक्ट्स डिसिंग द गुड्स सर्विसेज और ट्रेड ऑफ अनदर पर्सन यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि जो सेलर है वो किसी दूसरे सेलर के गुड्स के सर्विस के बारे में बोलता है कि यार उसका सामान खराब है उसका मत लेना वो बहुत घटिया सामान बेचता है यानी कि आप डिस्पैराजिंग कर रहे हो दूसरे के सामान को क्या कर रहे हो लो क्वालिटी का बता रहे हो लो वैल्यू का बता रहे हो तो ये भी क्या है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है आप अपना सामान के दूसरे की क्वालिटी को क्या कर रहे हो आप बेकार कह रहे हो तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है तो ये सारे एक्टिविटीज अगर कोई भी सेलर या मैन्युफैक्चरर परफॉर्म करता है तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है यानी कि वो गलत व्यापार कर रहा है क्लियर और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अगर किसी भी बायर के साथ कंज्यूमर के साथ ये प्रैक्टिस होता है तो वो जो है कंज्यूमर फॉरम में जाके केस कर सकता है उस सेलर के अगेंस्ट उस मैनुफैक्चर के अगेंस्ट और उस पर जो है उसको जो है रिड्रेसल मिलता है तो सेक्शन टू सबसेक्शन फोर्टी सेवन में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को ये डिफाइन किया गया है यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग